आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान के प्रसिद्ध बाजरा का चूरमा। बहुत ही टेस्टी होता है ये, और सर्दियों के मौसम में तो इसका मज़ा ही अलग है। बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाता है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है और बहुत ही आसान रेसिपी है, तो आप इसे झटपट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 2 कप बाजरे का आटा लिया है और इसको हमें आटा गूंथना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ घी ऐड कर देते हैं, इससे ये सॉफ्ट आटा तैयार होगा। बाजरा कुछ हार्ड भी होता है तो इसलिए ये सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसमें पानी की सहायता से इसमें आटा लगा लेते हैं, आराम आराम से गुनगुने पानी से अब ये आटा हम गूंथेंगे। देखिए, हमने ये आटे को गूंथ लिया है और ये इस तरह से तैयार हो गया है, एकदम सॉफ्ट आटा हमारा तैयार हुआ है। अब मैं इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर इसकी, अब हम इसकी चपातियाँ बेल लेंगे। ये गोले तैयार कर लिए हैं हमने, इस तरह से इसको बेलना थोड़ा सा हार्ड होता है, चपाती बनते ही ये टूट जाती है, इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा आटे लेंगे, गेहूं का आटा है, सूखा आटा लगाकर अब हम इसकी रोटियां बेलेंगे। सूखा आटा लगाकर इस तरह से हम आसानी से इसकी चपातियां बेल लेंगे। धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से हमें ही चपाती बेलनी है, ज़्यादा जोर लगा के नहीं बेलना है, और धीरे धीरे यह इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, मैंने एक स्मूथ चपाती अच्छे से गोल तैयार कर ली है। अब मैं इसको तवे पर सेक लूंगी। हमें तवे पर आसानी से अब हम इसे सेक लेते हैं। नॉन स्टिक तवा लिया है हमने, अब उसके ऊपर चपाती को डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर हम ये चपाती सेकेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं सेकेंगे, नहीं तो ये चपाती अंदर से कच्ची रह जाएगी, और जब एक तरफ सिक जाएगी उसके बाद में ही हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। हमें चपाती को अच्छे से सेकना है, बिल्कुल भी बाजरे का जो आटा है इस कच्चा नहीं रहना चाहिए, चपाती बिल्कुल अच्छी तरह से सिक जानी चाहिए। एक तरफ से सिक चुकी है और दूसरी तरफ से भी अच्छे से हम इसे सेक लेते हैं। आप चपाती के थ्रू या पराठे के थ्रू, दोनों तरह से ही आप बाजरे का चूरमा तैयार कर सकते हैं। हम चपाती से ही बाजरे का चूरमा तैयार करेंगे। जो ट्रेडिशनल चूरमा होता है वो चपाती से ही तैयार होता है। ये देखिए, चपाती बिल्कुल सिक चुकी है। इस तरह से हम एक एक करके सारी चपातियाँ को सेक लेते हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने यह सेक दिया है इसे। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में रख लेते हैं। अब फिर से एक दूसरी चपाती, उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसे भी हम दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। बाजरे का चूरमा जो हम आटे का चूरमा खाते हैं गेहूं का, वैसे ही लगता है, पर उससे भी सर्दियों में ज़्यादातर लोग बाजरे का चूरमा बनाना पसंद करते हैं, और ये बहुत टेस्टी होता है और राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो आप इसे ज़रूर बनाकर देखें। आसानी से तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें बनाने में। एक तरफ से सीख गई है चपाती, अब दूसरा से भी सीख लेते हैं हम इसे, और बढ़िया तरीके से सीख जाएगी। दोनों तरफ से हमें चपातियों को अच्छे से सेक लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही इसकी जानकारी आपको मिल सके। आराम से हल्के हाथों से हम ये चपातियाँ सेक लेते हैं। एक तरफ सीख गई है, अभी दूसरी तरफ से भी और अच्छे से सीख लेते हैं। चपातियों को बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब हम यहाँ चाशनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो पहले हम यहाँ गुड़ लेंगे, 1 कप गुड़ लिया है हमने,
इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना है, एक कप गुड़ में चौथाई कप पानी बहुत रहता है। और हम इसे पिघलने देंगे। लो फ्लेम पर हमें यह गुड़ का पानी में घोलना है, हाई फ्लेम ना रखें नहीं तो गुड़ नीचे से चल जाएगा। और इसे धीरे धीरे चम्मच की सहायता से चलाएंगे ताकि आसानी से पानी में गुड़ घुल जाए। इधर हमने यह जो भी चपातियाँ तैयार की थी सारी की सारी तैयार कर ली हैं एक एक करके, और एक बड़े बर्तन में इन्हें लेकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। इस तरह से मैं सारी चपातियों को एक एक करके तोड़ लेती हूँ और उसको बाद में हम मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। हमने चीनी की जगह इसमें गुड़ का प्रयोग किया है तो ये सेहत के लिए भी बढ़िया है। सारी चपातियाँ हमने यहाँ इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ली है, अब थोड़ा थोड़ा लेके मिक्सर जार में अब हमने ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से मसल मसल कर हम इसमें डाल देते हैं। और एक से दो बार में अब हमने पीस लेंगे। ये देखिए मैंने सारी की सारी चपातियों को इस तरह से पीस लिया है, और एक बड़े बर्तन में हमने जो चूरमा बनाना है वहाँ हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम बीच में गड्ढा बना लेते हैं, और इसमें जो हमने चाशनी तैयार की थी गुड़ को पानी में घोल के, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। अब इस तरह से गुड़ पानी में जब घुल गया है तो इसे छलनी की सहायता से छान लेंगे इसमें, ताकि कोई भी इम्प्योरिटी होगी निकल जाएगी। इलायची पाउडर ऐड कर दिया है हमने पहले। अब छलनी से अब हम इसे गुड़ को छान लेते हैं। साथ में हम यहाँ पर घी और जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें भी ऐड कर देंगे टेस्ट के लिए। इस तरह से अब मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। इसमें हमने यहाँ बादाम काजू और थोड़े से पिस्ते हैं उन्हें ले लिया है, साथ में थोड़ा सा घी भी हम यहाँ ऐड कर देंगे। ये ऐड करने से ये बहुत ही टेस्टी और एकदम मुलायम चूरमा हमारा तैयार होगा। चम्मच से इसे इस तरह से धीरे धीरे मिला लेते हैं। अभी थोड़ा गर्म है इसलिए मैं चम्मच से मिला रही हूँ, नहीं तो हम इसे फिर बाद में हाथ से ही मिक्स करेंगे। खाने में ये बहुत अच्छा लगता है, आप इसे दाल के साथ में सर्व कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर लोग बनाना पसंद करते हैं। धीरे धीरे हम इसे पूरा अच्छे से गुड़ को मिला लेंगे। देखिए कैसा बन जाता है ये, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। अब हम इसको हाथों की सहायता से छोटे छोटे इसके लड्डू तैयार करेंगे। चूरमे के लड्डू बनाने हैं हमें, तो ये देखिए अब हम थोड़ा सा चूरमा उठाते हैं और इसे अभी थोड़ा ही गर्म है इसलिए गर्म गर्म में ही हम इसके लड्डू बांध लेंगे। इस तरह से गोल गोल चूरमे के लड्डू हमारे तैयार हो जाएंगे। अभी बहुत ही गर्म है, थोड़ा बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अब हम इसे आसानी से इस तरह से बांध लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छे हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं एकदम गोल। ये देखने में जितने अच्छे हैं खाने में भी उतने ही अच्छे हैं, तो एक बार आप इसे ज़रूर बना कर देखें। सर्दियों के मौसम में ही बनाई जाती है ये रेसिपी।
और ये राजस्थान की पारंपरिक रेसिपी है, तो आप इसे एक बार जरूर बना कर देखें। इस तरह से हमारे सारे चूरमे के लड्डू तैयार हो गए हैं। ये देखिए हमने सबको तैयार कर लिया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप इन्हें दाल के साथ में, कढ़ी के साथ में सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर लीजिए।